हेलो फ्रेंड्स, भारतीय किचन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोटीन से भरपूर सलाद। ये टेस्टी तो बनेगी ही, साथ ही साथ भरपूर मात्रा में इसमें प्रोटीन भी मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं इसे। इसके लिए मैंने ये खीरा ले लिया है, आधा खीरा ले रही हूँ मैं। इसे मैंने अच्छे से धो दिया है और छिलके समेत ही हम इसे यूज़ करेंगे। कट कर लेती हूँ, इस तरीके से बीच में काट लिया मैंने और इस तरीके से टुकड़ों में भी मैं कर लेती हूँ। इसको डाल लेते हैं एक बाउल में और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई मूली। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मूली जो है डाइजेशन के हिसाब से बहुत अच्छी होती है। और मैंने कुछ टमाटरों को भी बारीक काट लिया है, इसमें से मैंने बीज निकाल दिए हैं। और डालेंगे थोड़ी सी गाजर, करीब आधी गाजर मैं इसमें डाल रही हूँ। और ले लेंगे ये लेटुस के पत्ते, बारीक बारीक काट लेंगे। इसमें काफ़ी सारा विटामिन होता है और फाइबर भी होता है और नमी भी होती है। ये पानी की कमी को दूर करता है और साथ ही साथ डाइजेशन में भी बहुत अच्छा होता है। इन्हें भी इसे शामिल कर लेते हैं। अब ले लेते हैं ब्रोकली, इसको मैंने कट कर लिया है, थोड़ा और बारीक बारीक कर लेंगे। आप इन्हें हम इस तरीके से तो सलाद में यूज़ कर नहीं सकते, तो हम इसे स्टीम करेंगे। बहुत से लोग इसे बॉईल करते हैं, लेकिन मैं इसे बॉईल नहीं करूँगी क्योंकि जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो मैं इसे स्टीम करूँगी। डाल लेते हैं स्टीमर में। मैं इसको करूँगी माइक्रोवेव में स्टीम। तो मैंने इस बाउल में डाल दिया थोड़ा सा पानी और इसके ऊपर डालेंगे ये जाली और इसके ऊपर डाल देंगे हम ये ब्रोकली। और आजकल मार्केट में रेड और येलो शिमला मिर्ची भी बहुत आ रही है, तो मैंने इन्हें भी बारीक बारीक काट कर लिया है। ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ डाल लेते हैं ये ग्रीन वाली शिमला भी। इनको मैं माइक्रोवेव कर लेती हूँ 1 मिनट के लिए। सभी को मैंने अच्छे से स्टीम कर लिया है, अब जब ठंडा हो जाएगा तब इसे सलाद में इंक्लूड करेंगे। ये सभी सब्जियां हमारी ठंडी हो गई है, चलिए इन्हें भी इंक्लूड कर लेते हैं इस सलाद में। विटामिन और फाइबर तो हमने ऐड कर लिया है, अब ऐड कर लेते हैं कुछ प्रोटीन्स भी। इसके लिए मैंने ये मूंगफलियों को रोस्ट करके इसके छिलके निकाल के तैयार कर लिया है। इसे डाल देती हूँ इसमें और कुछ राजमा भी मैंने भिगोकर बॉईल करके तैयार कर लिए हैं। और डाल देती हूँ इसमें काबुली चने, ये भी मैंने भिगोकर बॉईल करके तैयार कर लिए हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। और ये पनीर कुछ क्यूब्स में करके कर लिए हैं मैंने, इन्हें भी इसमें हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। तैयार कर लेते हैं अलग से ड्रेसिंग। तो इसमें डालते हैं हम सबसे पहले ये नींबू का रस और इसमें डालेंगे हम नमक, इस स्वाद अनुसार डालना है। और डाल देंगे थोड़ी सी चटपटी बनाने के लिए सलाद को काली मिर्ची, अच्छे से डालेंगे। और चाहें तो आप ऑलिव ऑयल भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें और डाल देते हैं इस सलाद में। अच्छे से मिक्स करेंगे सभी को। तो तैयार हो गई है हमारी सलाद। आप अगर हल्का लाइट खाना चाहते हैं इसी तरीके से इसे सर्व कर सकते हैं, और थोड़ा सा और स्पाइसी खाना चाहते हैं तो मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी हरी मिर्ची, बारीक काट के रखी हुई है मैंने, और थोड़ा सा चाटपटा मसाला भी इसमें मैं डाल देती हूँ, और थोड़ा सा भुना हुआ पिसा हुआ जीरा भी मैं इसमें डाल देती हूँ। बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और सर्व करेंगे फ्रेश ही। और लास्ट में हम डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी। तो फ्रेंड्स, बनाकर ज़रूर से देखिएगा आप भी इस हेल्दी हेल्दी सलाद की रेसिपी को और बताएं अपने अनुभव आपको ये कैसी लगी।
अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और जिससे कि जब जब भी मैं रेसिपी अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप देखना चाहें तो ज़रूर से देखिए। मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।